we are revising our division. So today we will do story sums on division. कल तक हमने long form of division, division facts, है ना, ये सारी चीजें हमने देखी थी. मैंने आपको रिवाइज करने को भी बताया था, कौन सा डिविडेंड होता है, कौन सा डिवाइजर होता है, कौन सा क्वेश्चन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था. तो आज हम स्टोरी सम्स कर रहे हैं. एक बार छोटा सा रिवीजन रिकैप ले लेते हैं. 16 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 2 8 16, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा आंसर आता है वो क्वेश्चन. इतनी बात हमने देख ली थी, फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया था. जब डिवाइड होता है तो जो हमारा आंसर है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो हमारा वो उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए. जैसे 7 into 5 35, 7 into 5 टू फैक्टर्स है, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 35 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा. ये हमारा डिविजन फैक्ट है. आज हम आएंगे स्टोरी सम्स पे. 42 फ्लावर्स आर डिवाइडेड equally among 6 vases. How many flowers does each vase get? हमारे पास कितने flowers हैं? 42. ये देखिए. और vase कितने हैं? 6 हैं. और flowers कितने हैं? 42. अब इन 42 flowers को हमें इन 6 vases में decorate करना है. तो हम क्या करेंगे? इनको बांटना पड़ेगा. और जब भी बांटने की बात आती है तो हम लोग करते हैं divide. Equally जो हमारे पास जो अवेलेबल चीजें हैं, प्रोडक्ट है, उसको इक्वली अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम करते हैं डिवाइड. तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? 42 और डिवाइड का साइन लगा के 6 कर लेंगे. 42 डिवाइड का साइन लगाएंगे, 6 कर लेंगे, कितने हो जाएगा हमारे पास? 7 प्लस. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. यहाँ आपको 3 चिल्ड्रन दिख रहा है. 3 चिल्ड्रन शेयर 12 टॉफीज इक्वली. चिल्ड्रन है 3, टॉफीज है 12. 12 पहले हमारा डिविडेंड हो जाएगा, साइन लग जाएगा डिवीजन का, डिवाइजर हो जाएगा हमारा 3. कैसे होगा देखिए, नंबर 1 ही हो गया, नंबर 2 ही हो गया 12. ये डिविडेंड है, ये डिवाइड का साइन लग गया, 3 हमारा डिवाइजर हो जाएगा. 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? टेबल बोल लीजिए, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12. कितने टाइम्स आए? 4 टाइम्स. तो ये हमारा हो गया 4 टॉफीज. हर बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी? 4, है ना. हम स्टोरी को ठीक से रीड कीजिए. सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इसमें मुझे लगता है कि स्टोरी को प्रॉपरली रीड कीजिए. यहाँ तो आपको पता है कि डिविजन के स्टोरी सम्स है, पर मल्टीप्लीकेशन के भी स्टोरी सम्स आपको एग्जाम में मिलेंगे और डिवीजन के भी मिलेंगे, सब्ट्रैक्शन के और एडिशन के भी मिल सकते हैं. तो क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में करना क्या है. तो जहां जैसे इक्वली डिवाइड करने की जब बात आ रही है, आपके पास 16 थिंग्स है या 15 है, 14 है, जितनी भी थिंग्स है उसको इक्वली ग्रुप में डिवाइड करने की जब बात आती है, डिस्ट्रीब्यूट करने की जब बात आती है, तो हम लोग डिविजन करते हैं, है ना. और मल्टीपल बढ़ने की जब बात आती है तो हम मल्टीप्लाई, जैसे हमने स्टोरी सम्स मल्टीप्लीकेशन के भी देखे थे, उसमें भी हमने यही देखा था. जैसे एक लीड करते हैं कि इन टेस्ट एंडी आंसर्ड 19 क्वेश्चंस करेक्टली और फॉर ईच करेक्ट आंसर ही गॉट 5 मार्क्स. व्हाट मार्क्स डिड ही गेट इन द टेस्ट? अब आपको क्वेश्चन नंबर्स दे दिए गए हैं, ईच क्वेश्चन का मार्क बता दिया गया कि ईच क्वेश्चन के जो मार्क है वो 5 है. आपको टोटल निकालना है. वहां हम मल्टी प्लस करने से नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन है 19 और ईच क्वेश्चन का आपको मार्क या तो प्लस करेंगे तो फिर वो रिपीटेड एडिशन वाला पूरा प्रोसेस चलेगा, या फिर आप 19 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपके पास बढ़ रहा है, मल्टीपल मीन्स बढ़ रहा है, डिवीजन डिवाइड ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है. ऑल टुगेदर ऑल की बात आती है, एडिशन है, लेफ्ट वाला जो वर्ड आता है तो सब्ट्रैक्शन है. 40 लड्डूज आर पैक्ड इक्वली इन 4 बॉक्सेस. अब लड्डूज आपके पास 40 है, बॉक्स 4 है, आपको उनको इक्वली
पैक करना है, क्या करेंगे आप 40 डिवाइड 4, 4 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स। देयर आर 36 चिल्ड्रन इन अ क्लास, दे आर डिवाइडेड इंटू 4 हाउसेज इक्वली। ये तो बहुत ही कॉमन सा एक हमारे प्रैक्टिकली है कि आप 44 चिल्ड्रन है मेरी क्लास में और आपको 4 हाउसेज में डिवाइड किया हुआ है, है ना। तो यही सेम क्वेश्चन 36 है यहाँ पे, 4 हाउसेज इक्वली, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच क्लास, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच हाउस। अब हर हाउस में कितने, क्लास में तो 44 हो आप, आपको 4 में डिवाइड किया गया तो कितने हो गए हर हाउस में, तो चलिए डिवाइड कर लीजिए 36 डिवाइड 4 9 हो गए। 5 है हमारा, अ बॉक्स होल्ड्स 40 बॉटल्स ऑफ ए सॉफ्ट ड्रिंक, द बॉटल्स आर कैप्ट इन 5 इक्वल रोज, हाउ मेनी बॉटल्स आर कैप्ट इन ईच रो। इसमें जो बॉक्स दिया गया है इसमें 40 बॉटल्स है सॉफ्ट ड्रिंक की, जो रोज बनाई गई है, पैक जब हम करते हैं तो रोज रो वाइज बॉटल्स को जमाया गया है, तो एक रो में 5 बॉटल्स है, तो कितनी रोज, हाउ मेनी बॉटल्स आर कैप्ट इन ईच रो, तो कितनी रखी जा सकेगी, तो डिवाइड कर दो 45, 8 बॉटल्स एक रो में रखी जा सकेगी। सोनाली इज मेकिंग फ्रेंडशिप बैंड्स, ईच बैंड विल हैव 8 बीट्स, हाउ मेनी बीट्स कैन शी मेक विथ 56 बीट्स, तो 56 को 8 से डिवाइड कर दो तो 7 बीट्स। ये हमारा स्टोरी सम्स थी, डिवीजन। आई होप मेरे पास कोई क्वेरी नहीं आई है, कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया, इट मीन्स आपको आ ही गया है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे लिख दीजिए, मैं आपको फिर से सॉल्व करा दूंगी। अब जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे मैसेज भी मिला था कि मनी वाला, जो मुझे भी लगता है कि मनी वाला थोड़ा, क्योंकि डेसिमल आता है उसमें, पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं डेसिमल। तो बच्चों को वैसे मैंने आपको बताया भी था कि कोई फर्क नहीं है, डेसिमल की जगह पर डेसिमल रखिए, बस ये ध्यान रखिए, और कोई एडिशन सेम है, जैसे हम ऐड करते हैं वही एडिशन है। पर फिर भी पूरा मैं आपको ये चैप्टर हमारा ट्यूसडे तक लेकर मैं आपको ये कवर करा देती हूँ मनी वाला, है ना। वी नीड मनी टू बाय थिंग्स, कोई भी चीज़ अगर हमें खरीदनी है तो सबसे पहले हमें मनी की ज़रूरत होती है। मनी कम्स इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स, टू टाइप्स से हम मनी को देखते हैं, कॉइन्स और नोट, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, अब तो 1-2 रुपी कॉइन बंद ही हो गए। तो ये कॉइन्स और नोट की फॉर्म में मनी हमको मिलती है, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। अब नोट्स और कॉइन फर्स्ट में भी बना लिए हमने, सेकंड में भी हमने जब पढ़ रहे थे तब भी बना लिए, नोट्स और कॉइन नहीं बनवाऊंगी। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। क्यों रखनी है? क्योंकि आपको जब कन्वर्ट करने की जब बात आ जाएगी, 5 रुपी दे दिए और डैश दे दिया इट डैश पैसे, तब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपी में 100 पैसे हैं, तो 5 रुपी में वहां भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 पैसे। तो ये मल्टीप्लाई डिवीजन, इसीलिए बाद में मनी वाला लेसन आया, सबसे पहले आपको ये 4 ऑपरेशंस एप्लीकेशंस सिखा दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, जैसे आ गया ऐड करने को, 50 पैसा 25 पैसा सेम है, कोई चेंज नहीं है, 50 पैसे 25 पैसे प्लस करना 5 7 बस ये पैसे लगाना। ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका मार्क्स कट सकता है। ये आपको यूनिट लगाने का, सेंटीमीटर मीटर जब पढ़ाया था, किलोग्राम ग्राम पढ़ाया था, तभी मैंने यही कहा था, जब भी आप ऐड करें सबसे उसके पीछे की जो यूनिट दी गई है वो जरूर लगाएं। आप जैसे 15 रुपीज दे दिया, इसको आपको डिवाइड करना है, इसमें करना है आपको दे दिया 5 रुपीज प्लस डैश रुपीज। अब डैश रुपीज कितने होंगे बताइए, 15 में 5 को माइनस कर लीजिए, जो यहाँ दिया गया है इज इक्वल टू 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 15 रुपीज को, तो 5 रुपी, 5 के बाद कितना बचा 10 रुपी। मनी तो बहुत जल्दी आना चाहिए, हमारे डेली उसमें यूज भी करते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए कि रुपीज और पैसे दोनों हैं, जैसे 5 रुपीज और प्लस 25 पैसे, तो आप इसको 5.25 इस तरीके से लिखें, पॉइंट के पीछे पैसे, पॉइंट से इधर रुपीज, पॉइंट से पीछे पैसे होंगे, पॉइंट से इधर रुपीज, कैसे देखें।
सपोज यहाँ मैंने लिखा है 5.25, तो ये हमारे पैसे होंगे। और पॉइंट्स में इधर की तरफ जब हम चलेंगे तो वो हमारे होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट फॉर्म, वी यूज द शॉर्ट फॉर्म आर ई फॉर रूपीज, रूपी एंड आर एस फॉर रूपीज। आर ई रूपी सिंगुलर, आर एस फॉर रूपीज। और सिंबल क्या है इसका, आर टू मीन्स रूपी और रूपीज, और पी फॉर पैसे, पी पैसे। और ये हमारा सिंबल जो है ये किसका है, रुपी और रुपीज दोनों का कंबाइंड सिंबल जो है ये है। अगर ये आता है इट मींस ये भी क्या है बच्चों, रुपीज है। टू मींस रुपी और रुपीज बोथ के लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ये वाला साइन लग रहा है, मींस ये रुपीज है। पी मींस पैसे है ना, तो अब जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा, रुपीज आर टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट एंड पैसे आर टू द राइट। अब मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये राइट ये लेफ्ट, पॉइंट ये डेसिमल, इसको बोलते हैं पॉइंट डेसिमल। इससे इधर राइट हैंड है मेरा तो राइट हैंड पे पैसे, इधर लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड पे क्या है रुपीज। ये बहुत केयरफुली ध्यान रखने वाली बात, ये जो आज मैंने ये चीज बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 rupee = 100 paise, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट चीज है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप कर लेंगे, ये बहुत ध्यान में आपको रखना है, 1 rupee = 100 paise। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं ऐसे खड़ी हूँ, पॉइंट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पॉइंट डेसिमल, डेसिमल के राइट हैंड की तरफ पीछे जो डेसिमल के पीछे जो लिखा होता है वो पैसे, और डेसिमल से इधर लेफ्ट हैंड की तरफ जो लिखा होता है वो रुपीस। ये ध्यान में रखें, आज इतना ही पढ़ेंगे बस, ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा तो फिर बहुत ईजी है आगे, तो इतना समझ में आ जाएगा बहुत ईजीली आप लोग आगे कर पाएंगे। ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आया था बहुत केयरफुली इस वीडियो को देखेंगे, और जो भी बात मैंने बताई है ये आपके माइंड में ये सारी चीजें रहेंगी। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, कल फिर हम लोग मनी पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है।